हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। दो से तीन माह में डॉलर की कदर अपनी असल सतह पर आ जाएगी, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का दावा। कहा आलमी मालियाती फंड की बोर्ड सतह पर मंजूरी अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुतवक्के है। वफाकी वजीर बराए माहौलियात शेरी रहमान की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मिलकर काम करने की हिदायत। बारिशों में जामहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकम तकसीम। शेरी रहमान ने तकरीब से खिताब में पानी को महफूज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मर्दान में ताजिर के अगवा में मुबैना तौर पर पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ। पुलिस ने मगवी ताजिर से मुबैना तौर पर 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। पुलिस अहलकार रकम निकलवाने के लिए मगवी को लेकर बैंक पहुंचे, जहां मगवी ने शोर मचा दिया। पुलिस अहलकार मौके से फरार हो गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल का इंतजार खत्म। मायानास पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे शाह हुसैन शाह ने जूडो के खेल में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा हासिल किया। शाह हुसैन के शानदार दाव पेच ने 90 किलोग्राम कैटेगरी मैच में जनूबी अफ्रीकी प्लेयर को हार मानने पर मजबूर किया।